हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक बीएड, बीए बीएड और बीटीसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए, जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपका सिलेबस है, जो आपको जिस क्लास में आप हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है, तो उसकी क्या उपयोगिता है। जैसे आज की तारीख में अगर आपको जीके सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो जीके की क्या उपयोगिता है। गणित आपको पढ़ाया जा रहा है, तो क्या भविष्य में वो आपको काम आएगा, क्या उसकी कुछ उपयोगिता होगी, तो उसके लिए आपको देखना होगा। तो उसके उपयोगिता के सिद्धांत इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आज सभी बच्चे जो हैं वो SST पढ़ते हैं, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ते हैं, गणित यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। तो इन सब का क्या है फ्रेंड, हमारे जीवन में उपयोग होगा, भविष्य में उपयोग होगा हमारा। तो इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। अब दूसरा है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। देखिए, सामुदायिक जीवन क्या होता है, अगर आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस कम्युनिटी में क्या संबंध है। जैसे आप सपोज कीजिए आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप सभी के घर पे पानी है, ठीक है, और पानी आप जानते हैं कि हमें अर्थ से मिलता है, धरती से मिलता है, वातावरण से मिलता है, बारिश के रूप में, ठीक है। तो अगर आपने पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गंदा कर रहे हैं, तो फ्रेंड आपके पड़ोसी को भी गंदा पानी पीने को मिल रहा है, आपके बीच में संबंध खराब होगा। या दूसरा आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप मॉरल साइंस पढ़ते हैं, तो मॉरल साइंस में क्या होता है फ्रेंड, कि मॉरल साइंस में आपको हमें अपने पड़ोसियों से कैसे बात करनी है, प्रेम से व्यवहार करना है, सत्य बोलना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जिससे कि आपका, अगर सपोज कीजिए कि आप चोर प्रवृत्ति के हैं और आप किसी सोसाइटी में जाके रहने लगे और वहाँ पर आप डेली चोरी कर रहे हैं, तो फ्रेंड आपका जो सामाजिक लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस के समुदाय में लोग हैं, वो आपसे दूर होने लगेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपको क्राइम, आपको चोर समझने लगेंगे, तो फ्रेंड कि और आप उनकी नज़रों में गिर जाएंगे, तो इससे फ्रेंड आपको क्या होगा, काफ़ी नुकसान होगा। तो सामुदायिक जीवन से संबंध का भी आपको सिद्धांत, ये हम इस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, जो भी हम अनुभव करते हैं, जैसे कि हमने अनुभव किया कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या महसूस किया कि भाई बारिश होने पर क्या होता है कि बहुत से लोगों को ठंड लगने लगती है, बहुत से लोग जो बेचारे इनके पास घर नहीं है वो भीगने लगते हैं, उनको ठंड लग जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, या बारिश पड़ने से क्या होता है, मच्छर पैदा ज़्यादा हो जाता है, या बारिश पड़ने से क्या होता है, थोड़ा वातावरण ठंडा हो जाता है। तो ये सारे फ्रेंड आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, या शिक्षाविदों ने जो एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे कि अगर उन्होंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो मैथमेटिक्स पढ़ाकर उन्होंने देखा कि अगर बच्चा कहीं पर पैसे गिन रहा है, या गिनती कर रहा है, या अपने घरों में मकान बना रहा है, तो मकान बनाने के लिए कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो ये फ्रेंड ये सारे क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिला पढ़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। या आपने कुछ चीज़ें जर्नली सीखी, जैसे आपने देखा कि भाई झूठ बोलोगे तो लोगों की नज़रों में गिर जाओगे, ये भी आपको एक एक्सपीरियंस मिला, यानी कि अनुभव मिला, ठीक है फ्रेंड। आपने देखा कि अगर आप किसी बिजली के तार को हाथ लगा दे रहे हैं गलती से, तो आपको करंट लग रहा है, तो ये भी आपका अनुभव हुआ। तो इन सभी अनुभवों को बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत। देखिए, क्रिया का सिद्धांत क्या है, क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करना। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप डेली क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप डेली अपना खान पीन खा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है वो बहुत अच्छा खाना खा रहा है, वो तंदुरुस्त होता जा रहा है, और एक बच्चा क्या है कि थोड़ा बेकार खाना खा रहा है, तो वो कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। और जब एक तंदुरुस्त बच्चा जो खा पी अच्छा रहा है और वो दौड़ लगा रहा है, तो वो हर रेस को जीत रहा है अच्छे से, बिना थके बिना हारे अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छा खाना नहीं खाया, तो वो कम दौड़ पा रहा है, भाग नहीं पा रहा, उसको सांस चढ़ जा रहे हैं, उसके सांस फूल जा रहे हैं, और वो हार जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं फ्रेंड, क्रिया के सिद्धांत में आती हैं, यानी कि आप कैसा आप कार्य कर रहे हैं और कैसा कार्य करने पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए फ्रेंड, आपको ये लगा कि भाई मेरे पास घड़ी है और घड़ी में हम आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, किसी जगह पर जाना आधे घंटे में, तो आपने देखा कि फ्रेंड आपको ये बोला गया कि आप घड़ी पहनिए और घड़ी में देखते हुए टाइम को जाइए, तो आप सही निश्चित समय पर पहुंच सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं फ्रेंड, क्रिया का सिद्धांत होते हैं, यानी कि आप जैसा आप कार्य कर रहे हैं, वैसे कार्य करने पर फ्रेंड आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट अच्छा मिल रहा है कि बेकार मिल रहा है, सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, बहुत गलत मिल रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड क्या है, हम इन्हीं सारी क्रिया के सिद्धांत को देखकर भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, ठीक है।
अवकाश मतलब होता है फ्रेंड छुट्टी। देखिए, अगर आपने कोई छुट्टी वगैरह ली है और छुट्टी लेकर आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड, कोई अपना शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, या आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए फ्रेंड आपको क्या आप उसको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। सपोज़ कीजिए कि एक बच्चा क्या है, स्कूल में उसको टेबल पढ़ाए गए, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 10 का टेबल, और जब बच्चे ने छुट्टी की अपनी, या आप उसको सपोज़ करें छुट्टी करनी पड़ गई, या सपोज़ करो कि वो छुट्टी का ही दिन है उसका, ठीक है, तो क्या वो बच्चा दूसरों को वो समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। या सपोज़ कीजिए कि जो टीचर है वो छुट्टी हो गई, तो वो सेल्फ अपना टेस्ट ट्रेनिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, अवकाश के लिए परीक्षण का सिद्धांत। उसके बाद है वैयक्तिक आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए, वैयक्तिक का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल आवश्यकता, यानी कि आपको किसी चीज़ की यूज़ करना है किसी चीज़ का, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आपने क्या किया कि एक बच्चा है वो कमज़ोर है और उसको ठंड ज़्यादा लगेगी, ठीक है, तो एक बच्चा है वो हष्टपुष्ट है, उसको क्या है फ्रेंड, उसको ठंड कम लगेगी। तो देखिए दोनों की आवश्यकता अलग अलग हो गई, ठीक है। अब ये देखिए कि सपोज़ कीजिए कि एक बच्चा जो है वो शहर में रह रहा है और एक बच्चा गांव में रह रहा है, गांव वाले बच्चे को क्या है फ्रेंड, उसको बिजली की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गांव में बिजली बहुत कम आती है, अंधेरा हो जाता है जल्दी। लेकिन शहर में क्या होता है फ्रेंड कि शहर में ना बिजली जाती और ना ही वहाँ पर अंधेरा होता, ठीक है, तो दोनों की आवश्यकता अलग अलग हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे कोई एक बच्चा है डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो डॉक्टर जो बनना चाह रहा है उसको अपने अलग सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, या सपोज़ करिए कोई बच्चा कॉमर्स लाइन में जाना चाह रहा है, अकाउंटेंसी में जाना चाह रहा है, तो देखिए फ्रेंड सबकी आवश्यकता अलग अलग हो गई, ठीक है। अब साइंस वाला बच्चा अपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेगा, कॉमर्स वाला बच्चा अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा, और जो इंजीनियरिंग का बच्चा है वो अपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो सबकी आवश्यकता अलग हो गई। तो इन सबकी आवश्यकता अलग अलग हैं, तो उनके लिए फ्रेंड क्या होता है, हमें व्यक्तिगत आवश्यकता का भी सिद्धांत लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, संतुलित विकास का सिद्धांत। देखिए संतुलित विकास क्या होता है फ्रेंड, संतुलित विकास का मतलब इस तरीके से समझिए, सपोज कीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, और आपको 1 लीटर पानी 10 दिन चलाना होता है, ठीक है, और आप उसको क्या करें फ्रेंड, उस पानी को या तो आप एक ही दिन पी जाएं सारा, या 10 दिन चला लें, या हो सकता है कि आप 10 दिन में भी इतना, 10 दिन में सिर्फ आपने आधा लीटर पिया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, संतुलन विकास का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आज फ्रेंड क्या है, आज एंड्रॉयड मोबाइल है, लेकिन आज से 20 साल पहले एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, तो जब आज से 20 साल पहले का कुछ अलग डेवलपमेंट था, आज का कुछ और डेवलपमेंट है, हो सकता है आगे आने वाले 20 साल में कोई नई डेवलपमेंट आ जाए, कोई नया विकास हो। तो फ्रेंड इस विकास को देखते हुए हम क्या करते हैं फ्रेंड, इस तरीके से पाठ्यक्रम को बनाते हैं कि हम उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर सकें, ठीक है। भाई देखिए आज से 20 साल बाद क्या होगा, हमें भी नहीं पता क्या होगा, तो उस समय हमें क्या है, पाठ्यक्रम कुछ नई टेक्निक से बनाना होगा। आज से 20 साल पहले क्या था, कुछ और था, ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ और है। जैसे पहले फ्रेंड मैं एक जनरल सी चीज़ में लेता हूँ, पहले बच्चों के क्या होते थे फ्रेंड, 8th क्लास के भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, फिर 10th के, आज की तारीख में 10th के और 11th के होते हैं, हो सकता है भविष्य में ना 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हो ना 12th के हों, ठीक है। तो फ्रेंड अलग अलग टाइम पे अलग अलग आवश्यकता होती है, और अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हमारा विकास भी अलग अलग होता है। आज क्या है फ्रेंड, आजकल बच्चे क्या है, अपने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, और हो सकता है आगे 40 साल में ये हो, आगे आने वाले 40 साल में, कि आपकी जो क्लास है वो आपके रूम में ही चल रही हो, आपके मतलब कुछ ऐसा कुछ 3D फॉर्मूला आ जाए कुछ सरकार के पास, या कुछ साइंटिस्ट लोग डेवलप कर लें, कि जो टीचर है आपको लगेगा कि वो तो टीचर तो अपने घर बैठा हुआ है, आप अपने घर बैठे हुए हैं, आप टीचर जो है वो अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा है और आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर के रूम में आप उनको ऐसा लगेगा टीचर को कि बच्चा मेरे सामने बैठा है, और बच्चे को अपने घर पे बैठ के लगेगा जैसे टीचर उनके घर में बैठ के पढ़ा रही हो। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, तो हमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से विकास करना होता है कि जिससे कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और जो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हम प्रॉपर वे से यूज़ कर सकें। अब देखें फ्रेंड, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। तो देखिए विविधता का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बच्चा है वो उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है, एक कोई बच्चा है वो कर्नाटक से बिलोंग कर रहा है, तो उत्तराखंड वाले बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अलग होगी, राजस्थान के बच्चे की अलग होगी, बंगाल के बच्चे की अलग होगी, ठीक है, और कर्नाटक के बच्चे की अलग लैंग्वेज है। तो फ्रेंड हमें क्या होता है, कुछ लचीलापन भी लाना होता है,
ठीक है। लचीलापन मतलब कि भाई हमेशा बच्चों को साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, सबको समझ में आना चाहिए। तो पाठ्यक्रम हम इस तरीके से बनाते हैं कि जिससे कि अलग अलग जो कोने के बच्चे हैं, अलग अलग देश के जो बच्चे हैं, जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड वहाँ पर सभी बच्चों ने जो जो अपनी लाइफ में अनुभव किया है वो सभी उन चीज़ों में आए। ठीक है, जैसे अभी हम फ्रेंड देखते हैं, अभी सपोज़ कीजिए दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो दिल्ली में आप जानते हैं कि पूरे इंडिया के बच्चे हैं, और कोई बच्चा वहाँ पे सपोज़ करो बंगाल का आ गया, तो बंगाल में वो देखता है भी हमारे यहाँ पे हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, एक दिल्ली का बच्चा वो देखता है भी हमारे यहाँ पे लाल किला है। ठीक है, कोई इंदौर का बच्चा है वो ये देखता है कि भी हमारे यहाँ पे राजवाड़ा है। ठीक है, और सपोज़ कीजिए कि कोई आपका चेन्नई का बच्चा है तो वो देखता है कि भाई हमारे यहाँ पर बीच है काफ़ी अच्छा। तो फ्रेंड ये देखिए कि हर जगह के बच्चे क्या होंगे, जितने तरह के बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा विविधता होगी। तो हमें सारी चीज़ों को सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना होगा। ठीक है, और लचीलेपन का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड देखिए, लचीलेपन का मतलब होता है थोड़ा सा ढील देना उसमें, कि भाई बच्चों को हम ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोपने लगें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि बच्चों पर बिना थोपे हम कैसे वर्क बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वो सब चीज़ें फ्रेंड क्या होती हैं, ये सारे हमारे पाठ्यक्रम के सिद्धांत होते हैं। तो इन्हीं पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के कारण ही हम क्या है एक अच्छा पाठ्यक्रम बना सकते हैं, और अच्छा पाठ्यक्रम बनने से बच्चे का अच्छा विकास होगा, बच्चे को अच्छे समझ में आएगा, और टीचर की जो मेहनत होगी वो भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।